मेरी भाभी घूमना फिरना है, इसलिए कभी कभी लोग मुझे घुमक्का गर्ल भी कहते हैं। मेरे जहन में आपकी याद आई तो मैंने सोचा आपको भी अपने साथ इस सफर का हम सफर बनाया जाए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको लेके आई हूँ कुतुब मीनार। दिल्ली आने वाले हर शख्स को आकर्षित करती उसकी मीनारें ही उसकी खूबसूरती हैं। उसकी दरो दीवार के बिना दिल्ली का जिक्र ही अधूरा है। उसके पत्थर ही उसकी जुबान है। ऐसे में इसके दीदार के बगैर दिल्ली भ्रमण अधूरा है। कुतुब मीनार अपने परिसर के मेन गेट से कुछ इस तरह दिखता है। कुतुब मीनार में कदम रखते ही पर्यटकों में फोटो खिंचवाने की होड़ लग जाती है। तो भला मैं कैसे इससे बच पाती? दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि इसे मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, तो वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसे वरा मिहिर के मार्गदर्शन में सम्राट विक्रमादित्य के शासन काल में बनवाया गया था। लेकिन दोस्तों, इस विवाद में आपको उलझाने के बजाय हम आपको आगे लेके चलते हैं। और इस वक्त मैं गार्डन के बीच में बने जिस रास्ते पर चल रही हूँ, इसके ठीक सामने दिख रही इमारत कुवतुल इस्लाम मस्जिद है। तो लीजिए दोस्तों, हम आपको लेकर आ गए हैं कुतुब मीनार के पास। जितना जी चाहे उतना इसे निहार लीजिए, और मन कर रहा है तो आप इसे छूकर भी देख सकते हैं। ये मीनार सचमुच बेमिसाल है, और हम आपको इसे चारों ओर से दिखाते हैं। लाल बलुआ पत्थर से बनी इस मीनार पर कुरान की आयतों के साथ फूल बेलों की महीन नक्काशी की गई है, जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल ये मीनार लाल पत्थर और मार्बल से बनी हुई है। इस मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है, और इसके पहले फ्लोर का डायमीटर 47 फीट है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी 9 फीट की है। और दोस्तों, इस मीनार में 379 गोल सीढ़ियां भी हैं। कुतुब मीनार के एक तरफ गार्डन है, दूसरी तरफ खाली जगह। और इस खाली परिसर के उस पार मदरसा और दूसरे भवन भी हैं। कहते हैं इस खाली परिसर का इस्तेमाल कभी इबादत के लिए हुआ करता था, और हजारों की तादाद में नमाजी यहाँ एक साथ नमाज अदा करते थे। इसीलिए इस परिसर को भी कई इतिहासकार कुवतुल इस्लाम मस्जिद का हिस्सा ही बताते हैं। इस परिसर के चारों ओर नहर है, जिसमें कभी पानी बहा करता था। आज ये पुल कुतुब मीनार परिसर को उसके पिछले हिस्से से जोड़ता है। ये पुल उसी छोटी सी नहर पर बना है, जो कुतुब मीनार परिसर को चारों ओर से घेरता हुआ बना है। और ये पुल पर्यटकों को मीनार परिसर के पिछले हिस्से में लेकर जाता है, जहां कई ऐतिहासिक भवन जैसे घर, मदरसा और कब्रें बनी हैं।
और ये रास्ता हमें खिलजी के मकबरे और मदरसे तक लेकर जाता है। और ये है खिलजी का मकबरा। खंडहर में तब्दील हो चुके इसी विशाल इमारत के अंदर खिलजी का मकबरा है। खिलजी के साथ यहाँ एक और कब्र मौजूद है, लेकिन ये किसका है इस बारे में यहाँ कोई जानकारी मौजूद नहीं है। और खिलजी के मकबरे से सटा ये है खिलजी गार्डन, और यहाँ से कुतुब मीनार का नजारा आपके अंदर रोमांच पैदा कर देता है। देशी विदेशी पर्यटक यहाँ से कुतुब मीनार को निहारने जरूर आते हैं। और ये देखिए, यहाँ से कुतुब मीनार कुछ इस तरह दिखता है। खिलजी के मकबरे से ही सटा है उसके द्वारा निर्मित यह मदरसा, जिसका जिक्र इतिहास में भी मिलता है। इतिहासकारों के मुताबिक यहाँ कभी मदरसा चला करता था, जो बेहद ही उच्च कोटि की शिक्षा के लिए इस इलाके में मशहूर था। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। आज भी उसके नाम से मदरसे के पास शिलापट लगा है। यूं तो मदरसे के कमरे काफी छोटे छोटे हैं, लेकिन उसके दरो दीवार उसकी भव्यता की कहानी अपनी जुबानी आज भी सुना रही है। भले ही आज उसके सिर्फ खंडहर ही बचे हैं, लेकिन ये इतने बुलंद हैं कि हजारों साल बाद भी अपनी भव्यता की कहानी कह रहे हैं। और ये है मदरसे का पिछला हिस्सा, जहाँ कुतुब मीनार को निहारते निहारते थक चुके पर्यटक आराम की सांसें लेते हैं। नहर के पिछले हिस्से में ही बना है इल्तुतमिश का मकबरा, जो यहाँ से कुछ कदम की दूरी पर ही है। तो चलिए चलते हैं इल्तुतमिश की रहस्यमयी मकबरे पर। और ये सामने दिख रहे भव्य इमारत में ही उसका मकबरा है। और अब हम पहुंच चुके हैं इल्तुतमिश के रहस्यमय कब्र पर, जो नहीं दिखाई देने वाली कब्र के रूप में मशहूर है। इल्तुतमिश की कब्र के नीचे भी एक रहस्य है, जो 1235 शताब्दी में बनी थी, और वही इल्तुतमिश की वास्तविक कब्र है। यह जगह भी देशी विदेशी सैलानियों का विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। नक्काशियाँ जो यहाँ पे करी गई हैं दीवारों में और पत्थरों से जो बनाया गया है, ये शानदार इमारत मुगल काल का जो स्थापत्य कला है उसके बारे में देख के जान के बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा क्या लगा यहाँ? सबसे अच्छा तो कुतुब मीनार लगा। यहाँ आने वाले पर्यटक इस कब्र की नक्काशी युक्त दीवारों के साथ फोटो क्लिक करना नहीं भूलते। इतिहासकारों के मुताबिक इल्तुतमिश की वास्तविक कब्र इसके नीचे है, और ये है वहां जाने का रास्ता, जो आजकल बंद रहता है। और दोस्तों, ये है कुतुब मीनार में बना कब्रिस्तान। और इस कब्रिस्तान से कुछ कदम की दूरी पर ही अलाई मीनार है। उसके चारों तरफ छोटे छोटे भागों में बटा गार्डन बना है। मेरे पीछे दिख रहे कुतुब मीनार से यह चंद कदमों की दूरी पर है। इस मीनार को बनाने का सपना अलाउद्दीन खिलजी ने देखा था, और वह इसे कुतुब मीनार से भी गगनचुंबी और आलीशान बनाना चाहता था। उसका इरादा कुवतुल इस्लाम मस्जिद के परिवर्धित आकार के अनुरूप ही इसे कुतुब मीनार से दुगुना ऊंचा बनाने का था, किंतु अलाई मीनार के केवल पहली मंजिल ही बनी थी और उसके निर्माता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण यह मीनार अधूरी रह गई। तो फ्रेंड्स, अलाई मीनार का सालों पहले रखा गया ढांचा आज भी किसी हसरत की कहानी बड़ी शिद्दत से बता रहा है। और अलाई मीनार के गार्डन की सैर कराते हुए अब हम आपको लिए चलते हैं कुवतुल इस्लाम मस्जिद के भीतर।
लेकिन अंदर जाने से पहले जरा इन विदेशी पर्यटकों को भारतीय पोज में फोटो खिंचाने के अंदाज को तो निहारते चलिए। क्या बात है, आप शायद ही किसी विदेशी महिला को इस तरह पारंपरिक भारतीय ड्रेस में देखे होंगे, लेकिन देख लीजिए इन्हें और इनके अंदाज को। अगर आपका जी भर गया हो तो कुवतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर चलते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ कदम रखते ही आपको लगेगा हम किसी मस्जिद में नहीं मंदिर में पहुँच गए हैं। मस्जिद के चारों ओर लगे स्तंभ तो इसी ओर इशारा करते हैं। इस मस्जिद में लगे एक एक खंभे इस बात के गवाह हैं कि मुगलों ने भारत में तलवार की जोर पर सत्ता ही नहीं इस्लाम को भी बसाया था और उसे मंदिर में अपने खुदा को बिठाने में कोई संकोच नहीं था। क्या आप जानते हैं इस स्तंभ पर मूर्तियां भी बनी हैं जो कि इसे हिंदू धर्म से भी जोड़ती है। मंदिर नुमा ये परिसर आज कुवतुल इस्लाम मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि कुवतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण या तो यहाँ मौजूद मंदिर को तोड़कर बनाया गया या फिर मुगलों ने आसपास की वैभवशाली मंदिरों की दरो दीवार को लूटकर इस मस्जिद को बनाया होगा। कुवतुल इस्लाम मस्जिद परिसर के ही दूसरी छोर पर हजारों सालों से खड़ा है यह लॉस्ट थंब। पुराणों में स्तंभ को भगवान विष्णु का स्तंभ बताया गया है और ये देखिए फ्रेंड्स, दुनिया भर के पर्यटकों के बीच विष्णु स्तंभ किस तरह कौतूहल का विषय बना है। मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध यह इमारत भारत में स्थित प्राचीनतम मस्जिद है। इसके चारों ओर दलान बने जिनमें प्रयुक्त खंभे तथा दूसरी वास्तु सामग्री मूलतः 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त कर प्राप्त की गई। कुवतुल इस्लाम मस्जिद में स्थित विष्णु स्तंभ के बाद अब हम आपको एक बार फिर लिए चलते हैं कुतुब मीनार के पास। इस मीनार के ठीक बगल में स्थित है मशहूर अलाई दरवाजा। तो चलिए इसे अंदर और बाहर से देखते हैं और इसकी खासियत को ढूंढते हैं। क्या है खास इस अलाई दरवाजे में? इस दरवाजे के चारों दिशाओं में दरवाजा है जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था और इसका एक दरवाजा खुलता है संत इमाम जामिन की कब्रगाह की ओर तो दूसरा कुवतुल इस्लाम मस्जिद के गार्डन या कहें खिलजी के मकबरे की ओर। और ये हम आ गए हैं इमाम जामिन के मकबरे पर। इतिहासकारों के मुताबिक ये इस परिसर का सबसे नया निर्माण है। दोस्तों इस परिसर में कई सारे ऐतिहासिक धरोहर हैं, जिनमें से सबसे नई ये इमाम जामिन की कब्र है जिसे दूसरे मुगल शासक हुमायूं ने 1538
1948 ईस्वी में बनवाई थी। इसके आगे बेहतरीन गार्डन है और ये पीछे का हिस्सा है। फ्रेंड्स, इमाम जामिन के मकबरे के साथ ही हमने आपको कुतुब परिसर के कोने कोने की सैर करा दी है और यहाँ से हम आपको एक बार फिर लिए चलते हैं कुतुब मीनार के पास, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता तो वहीं से है। तो दोस्तों, अब समय आ गया आप सबसे विदा लेने का। मुझे उम्मीद है इस सफर में हमारा हमसफर बनकर आपको मस्ती के साथ साथ बहुत सारी जानकारियां भी मिली होंगी। तो हमें लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम अगले सफर पे। तब तक के लिए दृष्टिका आपको टाटा, गुड बाय।